राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू में प्रवेश लेने वाली सभी नई छात्राओं की सुविधा हेतु यह वीडियो बनाया गया है। मैं डॉक्टर कविता गौतम, सह आचार्य इसी महाविद्यालय में, वरिष्ठ संकाय सदस्य हूँ। राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, COVID-19 की वजह से हम लोगों का जीवन सब तरह से प्रभावित हुआ है, तो हमारी कॉलेज लाइफ भी होगी। कॉलेज लाइफ बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, हम सभी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, और आप लोग भी बहुत उत्सुकता से महाविद्यालय आने का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कुछ परिस्थितियां अनुकूल हो तो हम आमने सामने एक दूसरे से मिल सके। बच्चों, मुझे लगा हमेशा तो हम लोग आमने सामने मिल जाते हैं तो आप लोग हमें पहचानने लगते हैं, हम भी आपको कुछ कुछ पहचानने लगते हैं, तो आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन इस बार मुझे लगा कि बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारा कॉलेज कैसा है, आप लोगों के मन में सबके मन में जिज्ञासा होगी हमारा कैंपस कैसा है, हमारे टीचर्स कौन हैं, कौन हमें पढ़ाएगा। ये सारी जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ तो अपने महाविद्यालय की झलकियाँ दिखाऊंगी। हमारे प्राचार्य महोदय भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो उनका उद्बोधन होगा। बाकी सभी संकाय सदस्य, हमारे महाविद्यालय में 3 फैकल्टी हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, तो मैं उन सभी से आपका संक्षिप्त परिचय कराऊंगी और हमारी आपसे क्या अपेक्षाएं हैं ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो अब मैं अपना आगे का शुरू करते हैं, आप देखिए आपका महाविद्यालय कैसा लगता है। बच्चों, ये अपना महाविद्यालय है। बाहर से देखने में ये ऐसा लगता है, बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है। ये महाविद्यालय जब आरंभ किया गया था तो इसको आरंभ करने के पीछे एक जो सोच थी वो ये थी कि युवा वर्ग, हमारा युवा वर्ग जो इस महाविद्यालय में प्रवेश ले, हम उनके इस तरह से हम उन्हें सक्षम बनाएं कि वो अपनी बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकें एक व्यक्ति की तरह और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। तो हम इसी उद्देश्य से को लेकर ये महाविद्यालय स्थापित हुआ था और हमारे उद्देश्य हैं हमारे छात्राओं का जो भी उनमें क्षमताएं हैं उनको हम पूरा निखरने का अवसर दें, उनके व्यक्तित्व का चहुं ओर से विकास हो सके, उनकी शैक्षणिक क्षमता पूरी तरह से विकसित हो सके और वो नागरिक की तरह से समाज में अपना सक्रिय योगदान दे सके। इस उद्देश्य के लिए हम लोग सदैव प्रयासरत रहते हैं। हमारा महाविद्यालय सन 1999 में स्थापित हुआ था, मतलब 21 वर्ष हो गए हैं इसे स्थापित हुए। यहाँ पर स्नातक स्तर पर कला संकाय में इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी, भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और संस्कृत विषय में अध्ययन करवाया जाता है। विज्ञान संकाय में बायोलॉजी भी है और मैथ्स भी है, साइंस मैथ्स एंड साइंस बायोलॉजी, जीव विज्ञान और गणित दोनों हैं और वाणिज्य संकाय भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। स्नातकोत्तर स्तर पर मतलब PG कोर्सेज, MA, MSc वगैरह, तो आर्ट्स में, कला संकाय में हमारे यहाँ हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में और हिंदी में PG है, इसलिए हमारा महाविद्यालय स्नातकोत्तर PG कॉलेज कहलाता है बेटा,
ये भी बहुत सौभाग्य की बात होती है कि आप पीजी कॉलेज में पढ़ने का आपको अवसर मिल रहा है। विज्ञान संकाय में हमारे यहाँ अभी केमिस्ट्री में एमएससी चल रही है। इसके अतिरिक्त, ये तो शैक्षणिक है, इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ बहुत सारी सह शैक्षणिक गतिविधियाँ चलती हैं, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना की हमारे यहाँ 2 इकाई हैं, रोवर रेंजर या इसको आम बोलचाल में जो हम स्काउट गाइड कहते हैं, उसकी भी 2 इकाई हमारे यहाँ कार्यरत हैं। इसके अलावा बहुत सारी हम वर्ष पर्यंत बहुत सारी सह शैक्षणिक गतिविधियाँ करवाते हैं, जैसे उसमें सांस्कृतिक भी होती हैं, हमारी आपकी बौद्धिक विकास के लिए एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती हैं, अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, खेल गतिविधियाँ भी बहुत सारी होती हैं। अब मैं आपको अपने कैंपस की कुछ झलकियाँ दिखा रही हूँ, शायद इससे आपकी उत्सुकता थोड़ी सी शांत होगी। ये देखिए हमारे बिल्डिंग के ठीक बाहर एक बगीचा बनाया है, ये हमारे अभी वर्तमान में जो हमारे प्राचार्य हैं, हमारे जो संरक्षक हैं, उनके प्रयास से ये बगिया इसी वर्ष विकसित हो पाई है, और उनका बड़ा मन था कि हमारे बच्चों के लिए बैठने के लिए हरा भरा स्थान होना चाहिए, इसी उद्देश्य से बनाई गई है। ये हमारा आंतरिक प्रांगण है, जो सामने दिख रहा है बच्चों, ये आपका स्टेज है। इस स्टेज के ऊपर अपनी बहुत सी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, जब भी कोई सभा होती है, हम लोगों को इकट्ठा होना होता है, तो इस स्टेज का प्रयोग किया जाता है। ये स्टेज इंतज़ार कर रहा है हमारी छात्राओं का। ये भी हमारे आंतरिक प्रांगण का दूसरा सिरा है, यहाँ पर हमने बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और उनके नीचे ये बेंचेस वगैरह लगाई हुई हैं, जिससे छात्राएं अपने फ्री टाइम में यहाँ बैठकर अपना कार्य कर सकती हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया कर सकती हैं। केवल पढ़ाई नहीं होता है उद्देश्य, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। ये हमारा कंप्यूटर कक्ष है, कंप्यूटर लैब जो है, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर हैं, आपके जो प्रैक्टिकल आपको इसके लिए ट्रेनिंग यहीं पर मिलेगी। ये हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम है, इसकी मैं अंदर से आपको झलक नहीं दिखा पा रही, लेकिन इसके अंदर बेटा ये सुविधा है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब हमारे जो अधिकारी हैं, मतलब जैसे कई बार आपने देखा होगा हमारे जो जो भी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो संबोधित करते हैं छात्राओं को, तो इस कक्ष के अंदर हमारे पास वो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई व्यक्ति हमसे अगर बात करना चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर हो सकती है, ये पूरी साधन संपन्न है। ये हमारे प्राचार्य प्रोफेसर GN घसिया सर हैं। बच्चों ये बहुत सहृदय और बहुत कोमल हृदय हैं, सब लोगों का बहुत ध्यान रखने वाले हैं। ये प्राचार्य हैं, हमारे संरक्षक हैं, और महाविद्यालय के चहुं ओर विकास के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं, और इनके प्रयास दिखने लगे हैं हमारे कैंपस के अंदर। आप लोग जब आएंगे तो आप देखेंगे कि कैंपस में कितनी सारी सुविधाएं सर ने जुटा दी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको देखकर आपको भय का एहसास नहीं होगा, जैसे होता है ना अरे सर आ रहे हम डरे, नहीं, इनको देख के आपको ये एहसास होता है हम लोगों को भी कि कोई संरक्षक है और हम इनकी छत्र छाया में सुरक्षित हैं। तो इन्होंने भी आपके लिए कुछ शब्द कहे हैं, वो आप स्वयं सुनिए। मैं प्रोफेसर गोविंद नारायण घसिया, राजकीय PG कन्या महाविद्यालय चौमू, इस सत्र में सभी छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये सत्र कोरोना की वजह से काफी प्रभावित हुआ है, और इस महामारी से बचने के लिए समाज में आपको जन जागरण करना है, मास्क के बारे में बताना है, सोशल डिस्टेंस के बारे में बताना है, तथा कोरोना की वजह से यहाँ पर आप लोगों के लिए ई कंटेंट की व्यवस्था की गई है,
इससे आपको हमारे यहाँ की जो उत्कृष्ट फैकल्टी है उसका लाभ वीडियो के माध्यम से मिलेगा। अतः आप अपने मोबाइल नंबर के संपर्क में रहें, व्याख्यानों का मोबाइल के द्वारा अध्ययन करें तथा कोई क्वेरी हो तो उसको भी संबंधित प्रोफेसर्स को आप भेज सकते हैं ताकि आपकी प्रश्नों का समाधान हो सकेगा। ये महाविद्यालय बहुत ही एक्सलेंट महाविद्यालय है। यहाँ पर करीब 2,500 छात्राएं पढ़ती है। यहाँ पर 5 विषयों में पीजी है। इसके अलावा एनएसएस की गतिविधियाँ, स्काउट की गतिविधियाँ, यहाँ पर जैसे ही कोरोना संकट समाप्त होगा नियमित कक्षाएं सरकार शुरू करेगी, उसके बाद में यहाँ पर सारी गतिविधियाँ एक साथ शुरू हो जाएगी। अतः पुनः नए सत्र में आप सभी छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन, और एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। शिक्षा 1000 तालों की चाबी है और इसको किसी भी रूप में आप ग्रहण करें। थैंक यू। अब बच्चों, प्राचार्य महोदय के उद्बोधन के बाद मैं आपको हमारे संकाय सदस्यों से परिचित कराऊंगी। प्राचार्य महोदय ने जिन बातों को पर ध्यान देने को कहा है उन पर जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में हमारी विभागाध्यक्ष हैं श्रीमती अनीता मीणा, डॉक्टर हेमलता हैं इस विषय में विशेषज्ञ, डॉक्टर मधुलिका सिंह वरिष्ठ संकाय सदस्य, और श्रीमती मनीषा टांक, ये पॉलिटिकल साइंस की आपकी सब टीचर्स हैं। आप इनसे इस विषय के अध्ययन के लिए आप नियमित रूप से इनके द्वारा प्रेषित किया हुआ ई कंटेंट देखिए। हिंदी विषय में विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुषमा जैमन मैडम, ये विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर सुमन ढाका वरिष्ठ संकाय सदस्य हिंदी में, डॉक्टर प्रणु शुक्ला बहुत सक्रिय संकाय सदस्य, डॉक्टर वंदना उपाध्याय ये भी वरिष्ठ संकाय सदस्य हैं। ये हिंदी विषय के आपके डिपार्टमेंट के हिंदी के लोगों को आप लोग पहचान लीजिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारे विभाग का अध्यक्ष हैं डॉक्टर तौफीक हुसैन सर, डॉक्टर राजेश्वरी राठौर ये भी इसी विभाग में हैं, डॉक्टर अभिलाषा जैमन और श्रीमती अनुपमा गोदारा, उनका चित्र मुझे मिल नहीं पाया बच्चों, तो ये आप इन्हें पहचानिए। जो हिस्ट्री के बच्चे हैं वो इनसे अपने विषय के हेतु संपर्क करेंगे और इन इन लोगों के रेगुलर जो भी ई कंटेंट आ रहा है उससे अब आप पहचान सकते हैं कि किसने क्या डाला है, उनको आप समझ सकेंगे। गृह विज्ञान में मैं डॉक्टर कविता गौतम, डॉक्टर अनुपमा जौहरी वरिष्ठ संकाय सदस्य, और डॉक्टर मीनाक्षी जैन ये हम लोग गृह विज्ञान की संकाय सदस्य हैं। मनोविज्ञान में डॉक्टर रीना शक्तावत और डॉक्टर प्रीति सिंह, ये दो संकाय सदस्य मनोविज्ञान विभाग में हैं। इसके अलावा हमारे कला संकाय में संस्कृत में डॉक्टर कृष्णा गौड़ हैं, ज्योग्राफी में डॉक्टर हंसालू नायच, इकोनॉमिक्स में हमारी शाहिना पठान, अंग्रेजी में भी हमारे यहाँ दो संकाय सदस्य हैं डॉक्टर अलका त्रिपाठी वरिष्ठ संकाय सदस्य और डॉक्टर माधुरी गोस्वामी। विज्ञान संकाय में हमारे यहाँ सबसे पहले केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में भी पीजी भी है, एमएससी भी है और अंडर ग्रेजुएट कोर्स तो है ही,
बीएससी एमएससी दोनों हैं। डॉक्टर दीपाली जैन मैम ये विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर राजेंद्र कुमार वरिष्ठ संकाय सदस्य और डॉक्टर महेश पालीवाल ये भी हमारे बहुत सक्रिय संकाय सदस्य हैं। बायोलॉजी में बच्चों आपके पास में दो टीचर्स हैं आपके लिए, डॉक्टर कविता साहनी वरिष्ठ संकाय सदस्य ये जूलॉजी में हैं आपका जीव विज्ञान जो है, और डॉक्टर अंजू मित्तल ये बॉटनी वनस्पति विज्ञान की विशेषज्ञ हैं। विज्ञान गणित में आपके लिए फिजिक्स जो है उसमें विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उषा परनामी, और मैथमेटिक्स के सर हैं डॉक्टर शमशेर खान। वाणिज्य विषय में हमारे यहाँ वर्तमान में डॉक्टर नरेश अग्रवाल, इसके अलावा खेल हमारे यहाँ खेल गतिविधियाँ भी बहुत सक्रिय रूप से हमारी छात्राएं भाग लेती हैं, और उसका श्रेय जाता है हमारी खेल प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर अमिता अधिकारी का। यही बच्चों हमारे रोवर रेंजर की भी ऑफिसर हैं, और ये आप इनसे स्काउट गाइड के संबंध में आपको प्रवेश लेना है तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। एनएसएस की प्रभारी हैं हमारी, एक यूनिट की प्रभारी हैं डॉक्टर अभिलाषा जयमन और दूसरी की हैं श्रीमती शाहिना पठान। तो एनएसएस में प्रवेश लेने हेतु बच्चों आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं हमारे श्री बुनकर सर, ये बहुत ही सहृदय हैं और बहुत मदद करने वाले हैं, और पुस्तकालय का आपकी कॉलेज लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसलिए इनका परिचय। तो बच्चों आप लोगों ने देखा ये वीडियो, इसमें आपको प्राचार्य महोदय ने कुछ संदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि आपको जो वीडियो कंटेंट ई कंटेंट के माध्यम से हम जो आपको पढ़ा रहे हैं आप उसे पूरी रुचि लें, पूरा ध्यान दें, मन लगाकर अध्ययन करें। दूसरा, आप लोग युवा वर्ग हैं तो युवा वर्ग की वजह से प्राचार्य महोदय ने आपको संदेश दिया है कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने का, हमारे समाज को जागरूक करने का उत्तरदायित्व भी आपको सौंपा है। तो और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे इस उत्तरदायित्व का बहुत अच्छी तरह निर्वहन करेंगे। हमारे बच्चों कुछ बातें मैं और कहना चाहूंगी आपसे, क्योंकि मेरे कुछ साथियों ने भी कहा कि जब आप वीडियो बना रहे हैं तो बच्चों को जरूर बताइएगा कि हमारी स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में कुछ भिन्नताएं होती हैं। कॉलेज बहुत कुछ सीखने का होता है, केवल किताबी ज्ञान नहीं, हमारे को जीवन से संबंधित बहुत सारा ज्ञान यहाँ पर मिलता है। लेकिन कॉलेज लाइफ जो है बच्चों, ये स्व अनुशासन और स्व अध्ययन की अवस्था है। अब आप कहेंगे स्व अनुशासन, बच्चों अब आप इतने बड़े हो चुके हैं, हर वक्त आप छोटे थे तो आपको कहा जाता था बच्चों झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, और आपको इन सब को गाइड करने के लिए कोई होता था। आप बड़े होते हुए आपने स्वयं सीख लिया कि नहीं ये कार्य हमें नहीं करने, तो वही स्व अनुशासन का अगला पड़ाव है कॉलेज लाइफ। अब आपको स्वयं को अपने आप अनुशासित करना है। महाविद्यालय में आपको कोई नहीं टोकेगा कि आप कक्षा में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप अटेंड करेंगे क्लासेस तो आपको ज्ञान अर्जन होगा, आप नहीं अटेंड करेंगे तो आपका लॉस होगा। कोई आपको नहीं बताएगा, सत्र के अंत में आपको पता चलेगा कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है या आपका सिलेबस क्लास में हो गया, आपने पढ़ाई नहीं है। तो आपको खुद को अनुशासन रखना है। स्कूल की तरह ऐसा नहीं है कि एक बार आप क्लास में जाकर बैठ गए, आपकी क्लास टीचर ने आपकी अटेंडेंस ली, आप फिर उसी रूम में बैठे रहते हैं, ऐसा महाविद्यालय में नहीं होता है। जब आप महाविद्यालय में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल देखना है। टाइम टेबल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन से घंटे के अंदर आप, सबसे पहले तो ध्यान रखिए आप कौन से सेक्शन के हैं, उसके बाद टाइम टेबल में चेक कीजिए कि आपको कौन सी क्लास में कौन से कक्ष संख्या में जाना है। हर टाइम टेबल के हर कॉलम के अंदर लिखा हुआ होता है कि रूम नंबर कौन सा है,
तो आपको जो भी बताया गया है रूम नंबर उसमें जाकर बैठ जाइए, वहां पर आपकी जो भी व्याख्याताग्रण होंगे वो आपको आएंगे, अध्ययन करेंगे हम लोग, और हो सकता है अगले पीरियड में फिर आपको दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़े। तो आपको पूरे दिन भर अपने आप का ध्यान रखना है कि हमें कहाँ कौन सी क्लास में जाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि स्व अध्ययन जो मैं कह रही हूँ, तो स्व अध्ययन आप कहेंगे हम कॉलेज क्यों आते हैं, हम कॉलेज में अध्ययन करवाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, हम सब कार्य करेंगे, लेकिन हम हर एक को पकड़ कर नहीं लाएंगे कि तुम यहाँ बैठो मैं तुमको पढ़ा रही हूँ। आपको स्वयं अध्ययन करना है और आपको ध्यान रखना है, आपको सिलेबस सत्र के शुरू में ही हम सब टीचर्स बता देते हैं कि आपका ये सिलेबस है, आपको पूरे वर्ष पर्यंत ये इसको अध्ययन करना है। तो आपको ध्यान रखना है, साथ साथ अपना अध्ययन, स्व अध्ययन मतलब खुद अपने आप घर पर भी पढ़ाई करनी है, तैयारी करते रहना है, कोई आपको निरंतर रोकेगा टोकेगा नहीं, इसलिए स्व अध्ययन और स्व अनुशासन की ये अवस्था है। और बच्चों छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे जो अब तक आपने किताबों में पढ़ा है अब उसको प्रैक्टिकली करने का समय आ गया। महाविद्यालय में हम चाहते हैं कि आप जो भी हम बहुत सारी सह शैक्षणिक गतिविधियां कराते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज, उन सब में आप लोग पार्ट लीजिए, ये आपकी व्यक्तित्व को और निखारने के तरीके हैं बच्चों, और ये आपके जीवन में आगे जाके बहुत काम आएंगे। तो केवल किताबी ज्ञान तक सीमित मत रहिए, आगे बढ़िए, अपनी प्रतिभा को और निखारिए। हमारे महाविद्यालय के अंदर दो यूनिट चल रही है, NSS की, राष्ट्रीय सेवा योजना की, आप उसमें भाग ले सकते हैं। दो यूनिट हमारे यहाँ स्काउट गाइड की भी हैं, आप उसमें भी भाग ले सकते हैं, इनका आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसी तरह से आप जो भी गतिविधियां आप कॉलेज में करेंगे उनका आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, ये प्रमाण पत्र आपके आगे आगे पढ़ने में, आगे अध्ययन में, आगे एडमिशन में आपको हेल्प करेंगे। तो आप बहुत उत्साह के साथ इन सब में भाग लीजिएगा, जो भी गतिविधियां होती हैं महाविद्यालय में, और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये COVID-19 की समस्या बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाए और आप सब लोग महाविद्यालय में आ जाए, महाविद्यालय आपका स्वागत करने के लिए आतुर है। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।